So hello students, in this video let's read about Dinner by Moonlight, a story, a mysterious story when three friends go on an adventure. So three friends, Rusty, Pitambar and Popat, are trekking on their way to Witch Mountain, a peak in Kumaon Hills close to Chakrata. They are spending the night of the forest rest house, being attended by the caretaker, a one-eyed man who introduced himself as Kali Topi or Black Hat. So, teen dost Rusty, Pitambar aur Popat Kumaon Hills ke paas ek witch mountain hai jahan pe ye log trekking ke liye jate hain, jahan pe rest house mein ye apna samay bitate hain ek caretaker ke saath jiska naam hai Black Hat या काली टोपी. ब्लैक हैट लिट अ वंडरफुल बोन फायर दैट नाइट, और उसने एक बहुत ही बढ़िया मशाल आग जलाई. फॉलन ओक लीव्स, पाइन कोन्स एंड ब्रांचेस, ये जो कुछ भी चीज़ें गिरी थी भारी विंटर स्नो के कारण, उन सभी ने मिला करके एक क्रैकलिंग फायर, मतलब एक अच्छी खासी आग लगा दी थी. द फ्लेम्स लीप्ड अप, casting an orange glow on the faces of the boys. Black Hat's demonic countenance was given an even more devilish tinge by the flickering firelight. Eager to keep the fire going, he almost set fire to his beard. तो जंगल की जो भी लकड़ियाँ और टहनियाँ उसे मिली, उन सबको मिला करके उसने एक बहुत बढ़िया आग तैयार की, जिसकी लपटें बिल्कुल ऊँची और बिल्कुल ऑरेंज कलर की सभी लड़कों के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी. और ब्लैक हैट का जो डेमोनिक काउंटेनेंस था, मतलब एक शैतानी जो उसका अपीयरेंस था, वो भी सभी क्लियरली देख पा रहे थे. व्हाई डोंट यू रिमूव योर हैट, आस्क रस्टी. तभी रस्टी पूछता है कि तुम अपने हैट को हटा क्यों नहीं लेते. द हैट वोंट लाइक इट, सेड इट्स वियरर. तो हैट पहनने वाले ने कहा कि हैट को ये पसंद नहीं होगा. It feels safe upon my head and I feel safe beneath it. Rain or snow, outdoors or in bed, this hat remains upon my head. तो वो कहता है कि ना तो हैट पहनने वाले और ना तो हैट, दोनों को ही ये बातें पसंद नहीं आएंगी कि सर से उसको हटा दिया जाए. और वैसे भी मैं तो ये हैट, चाहे रेन हो, चाहे स्नो हो, चाहे घर में हूँ, चाहे बाहर हूँ, हमेशा ही इसको पहनकर रखता हूँ. द बॉयज़ क्लैप्ड, और सभी ने ताली बजाई. दे हैड टू एडमायर दियर होस्ट्स लॉयल्टी टू हिज हैट. आखिर उनको जो होस्ट था उनका ब्लैक हैट, उसके और हैट दोनों के वफादारी की तारीफ करनी थी. एंड दे हैड टू एडमिट इट सीम टू सूट हिम, एडिंग डिस्टिंक्शन टू हिज स्कार एंड वन आई. तो ये जो हैट था वैसे भी उसको काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसके एक आँख और उसके चेहरे पर धब्बे के साथ साथ ये हैट उसको कुछ और भी ख़ास बना रहा था. टेल अस योर नेम, आस्क्ड पोपट. पोपट कहता है अपना नाम बताओ. काली टोपी इज़ माई नेम, आई नीड नो फर्दर क्लेम टू फेम. मेरा नाम काली टोपी है और मुझे अपने बारे में और कुछ नहीं बताना, इतना ही मेरे बारे में काफ़ी है. वी ऑल कॉल यू टोपी फॉर शॉर्ट, सेड रस्टी. But tell us how long you have been wearing it. Only 30 years, about half of my life. तो Rusty कहता है कि तब तो हम तुम्हें शॉर्ट में टोपी भी पुकार सकते हैं, लेकिन फिर भी बताओ कि तुम इसे कब से पहन रहे हो. तो पिछले 30 सालों से. It had lasted well, observed पीताम्बर. तो पीताम्बर कहता है कि तब तो ये काफ़ी लंबे समय से है. Made in London. हाँ, ये लंदन का बना हुआ है. It was worn by an अंग्रेजी magistrate when I was a young forest guard. He was killed by a tiger. The tiger ate him but left the hat. तो ये जो टोपी है वो किसी ऐसे वैसे की नहीं, बल्कि एक अंग्रेज मजिस्ट्रेट की है, जो कि यहाँ पर आए थे और उन्होंने मुझे फॉरेस्ट गार्ड रखा था. हालांकि टाइगर ने उन्हें तो मार दिया, लेकिन ये टोपी रह गई. Were you there when it happened? तो क्या ये जब ये हुआ तब तुम वहाँ पे थे? Yes, it happened very quickly. The magistrate, his assistant and two forest guards. I was one of them. मतलब मैं भी उनके दो forest guards में से एक था और अपने पैरों पर था. On the trail down to Honol,
When this tiger came out of the bushes, very fast, very silent, and pounced upon the Sahib and carried him off. Pounced मतलब छलांग लगा देना. तो ये सब कुछ तब हुआ, बिल्कुल बहुत हड़बड़ी में हुआ, जब एक टाइगर काफ़ी तेज़ी से आया और उन्होंने मेरे साहिब के ऊपर छलांग लगा दी. एंड वाट अबाउट यू, और तुम्हारे बारे में? ओह, आई वॉज अप अ ट्री इन नो टाइम, बट नॉट बिफोर द टाइगर हैड क्लॉड आउट वन ऑफ माई आइज. तो मैं तो बिल्कुल बिना समय गवाए पेड़ पर चढ़ गया, हालांकि टाइगर ने मेरी एक आँख निकाल ली. दैट वॉज वेन आई वॉज ट्राइंग टू रेस्क्यू द साहिब, और वो भी तब मैं जब साहिब को बचाने गया. None of us had guns. हमारे पास किसी के पास ये बंदूक नहीं था. You don't chase an angry tiger with a walking stick. और तुम किसी angry tiger को डंडे से खदेड़ भी नहीं सकते. So we waited until we thought it was safe and then we went for help. Found the magistrate साहिब next day. Not much was left for him. तो अगले दिन हम लोगों ने मजिस्ट्रेट साहब की तलाश की, लेकिन उनमें कुछ खास बचा नहीं था. It was a man eater, all right. And the first in these parts, and there were cubs, and they too grew up to be man eaters. तो ये जो टाइगर था वो एक मैन ईटर था, ठीक है. और इसके साथ जो कुछ छोटे छोटे बच्चे भी थे, कब्स भी थे बाघिन के, तो वो भी मैन ईटर्स थे. एंड द हैट, asked Rusty, was the magistrate still wearing it? और हैट के बारे में कुछ बताओ, Rusty ने पूछा, कि क्या मजिस्ट्रेट तब भी इसे पहना हुआ था? No, it was lying near the bushes where he had been attacked. Look, there's still a big scratch on it made by one of the tiger's claws. तो वो उसे दिखाते हुए कहता है कि इस टोपी को ध्यान से देखो, इस पर अभी भी टाइगर के पंजों की निशान है. The boys came closer to look at the hat. Its wearer had no intention of removing it. लड़के उस टोपी के पास आए, हालांकि पहनने वाले को कोई इंटेंशन, कोई भी इच्छा नहीं थी कि वो इसे हटाए. So they had to stand around him to examine it. तो उन्हें उसके आसपास रह करके ही इसके बारे में पता लगाना पड़ा. There was a big dent on one side. इसमें एक तरफ एक बड़ा सा निशान, एक बड़ा सा सुराग था. It could have been made by any sharp object. ये शायद किसी sharp object से हुआ था. It sounded like a very tall story. But the boys decided to believe it. हालांकि एक लंबी कहानी थी, मगर लड़कों को इस पर यकीन आ रहा था. You could believe anything about Blackhead. तो Blackhead के बारे में वैसे भी किसी को कुछ भी यकीन आ सकता है, क्योंकि उसका appearance ही वैसा था कि कोई भी उसकी बातों में आ जाता. Next, the dinner was a success. तो इसी के साथ उन सभी का खाने पीने का प्रोग्राम ख़त्म होता है, और वो काफ़ी अच्छे से बीता. While they ate, various hungry animals gathered around them in the dark, but kept to the shadow. जब वो खा रहे थे तो कई सारे जानवर आए उनके आसपास, जिन्होंने बचा खुचा खाना खाया. द बीस्ट्स वर अफ्रेड ऑफ द फायर, अफ्रेड ऑफ द ह्यूमंस, अफ्रेड ऑफ ब्लैक हेड. और ये जो भी जंगली जानवर थे, दे आर कॉल्ड बीस्ट्स, तो वो सभी एक तो आग से डरे हुए थे, वो ह्यूमन से भी डरते थे, और फिर ब्लैक हेड तो था ही. एवरी नाउ एंड देन ब्लैक हेड वुड थ्रो अ चपाती और अ बोन इन टू द डार्क एंड द डॉग्स वुड फाइट ओवर इट. अंधेरे में ब्लैक हेड क्या करता कि कुछ रोटियां फेंकता या कुछ बोन्स फेंकता, और डॉग्स इसके लिए झपट पड़ते. द जैकल्स वेटेड देयर टर्न, और जैकल्स भी अपनी बारी का इंतज़ार में थे. द हाइना वॉज फेवर्ड विद अ मीटली बोन ऑफ मटन, और हाइना को दिया गया क्या, तो एक मटन का पीस जिसमें कि काफ़ी सारा मीट था. It appeared to have a special relationship with Black Hat. It waited patiently, laughing now or then, confidently that some tidbit would come its way. तो वो ऐसा लग रहा था कि ये सभी जानवर जो हैं उनका ब्लैक हैट के साथ एक स्पेशल रिलेशनशिप था, ताकि जो भी टिटबिट मतलब खाने के छोटे मोटे टुकड़े जो थे, वो जानवर बिल्कुल तैयार बैठे थे कि कुछ ना कुछ तो उनकी तरफ आएगा ही. द जैकल्स वुड कम फॉर द लेफ्ट ओवर्स वंस द फीस्ट वॉज ओवर, और जैसे ही भोज खत्म हुआ, मतलब जो रात्रि का जो उनका खाने पीने का प्रोग्राम था वो खत्म हुआ, तो कई सारे जैकल्स आ गए. इफ देयर वर एनी कैट्स अराउंड, दे स्टेड आउट ऑफ साइट, और अगर कुछ बिल्लियाँ वहाँ रही भी होंगी तो वो उनकी नज़रों के सामने नहीं आई. द केयर टेकर केप्ट द बॉयज अवेक विद टेल्स ऑफ ट्रेजर, विच क्राफ्ट एंड स्ट्रेंज हैपनिंग्स ऑन विच माउंटेन. और ये जो केयर टेकर था ब्लैक हैट, वो उनको लगातार कहानियाँ सुनाए जा रहा था खजानों की, ट्रेजर मीन्स खजाने की
विचक्राफ्ट मतलब जादूगरों की स्ट्रेंज हैपनिंग्स जो कुछ भी विच माउंटेन पे होते थे। देर इज़ अ मैजिक स्टोन हिडन अप देयर, वो कहता है कि उस प्लेस पे एक मैजिक स्टोन भी रखा गया है, छिपाया गया है, अ रेयर जेड एंड एमरल्ड ब्रॉट फ्रॉम टिबेटन चाइना बाय एन अर्ली ट्रेवलर। वो कहता है कि वो जो मैजिक स्टोन है वो बिल्कुल जेड पत्थर का है, जेड इज़ अ वेरी प्रीशियस स्टोन, ठीक है, और वो एक एमरल्ड भी है जो कि तिब्बत से लाया गया था किसी पुराने ट्रैवलर के द्वारा। फाइंड इट एंड यू विल बी मेड फॉर लाइफ, तुम लोग उसे ढूंढो और इससे तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगी। रस्टी एंड हिज फ्रेंड्स हैड नॉट कम ऑन अ ट्रेजर हंट, हालांकि रस्टी और उसके फ्रेंड्स किसी ट्रेजर हंट के लिए तो नहीं आए थे, वो यहाँ पर सिर्फ अपने वैकेशंस को इंजॉय करने आए थे। बट इफ़ देर वॉज ट्रेजर टू बी फाउंड वाई नॉट लुक फॉर इट, लेकिन अगर ऐसा है कि हम जिस जगह पर जाएं और वहाँ कुछ खजाने की बात हो तो क्या उन्हें उसे खोज ही लिया जाए। एंड दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय एंड दिस इज़ एन एडिटेड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रस्टी एंड द मैजिक माउंटेन रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड वी ऑल नो इज वेल नोन फॉर इट्स मिस्टीरियस एंड एडवेंचरस स्टोरीज, ही वॉज लाइक अ स्पाई हु कुड क्लियर ऑल केसेस जस्ट विद अ क्लिक ऑफ द टाइम। Alright, so in next class we will discuss about its question answers. So till then, thank you and bye.